खबर है जनपद बहराइच से। समाजवादी लोहिया वाहिनी मटेरा विधानसभा द्वारा आयोजित किया गया बैठक का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आने वाले चुनाव पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने गौरव धरौनी क्षेत्र लोगों को किया जागरूक, कहा कि इस बार चलेगी साइकिल नहीं खिलेगा कमल, कहा कि कमल खिलने से लॉकडाउन के दौरान जनता रहे परेशान। इस कार्यक्रम में समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष नंदेश्वर यादव व कृष्ण कुमार खन्ना व क्षेत्रीय लोग वहां पर मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट प्रीतम। मैं नंदेश्वर लाल यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी। हम लोग गांव गांव जन संवाद चौपाल के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को फिर से 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में तमाम काम हुए थे, जो विकास कार्य हुए थे, चाहे वह आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, और हमारे जनपद बहराइच में भी हमारी सरकार में तमाम बहुत बड़े बड़े काम, चाहे वह बिजली के स्तर पर हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो, शिक्षा के स्तर पर हो, तमाम काम हुए, उसे आम जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और इनके द्वारा जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, इनकी जो कुरीतियाँ हैं, उससे भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो जन विरोधी जो नीतियाँ हैं उसको पहचान चुकी है, और पूरी तरह से किसानों ने, नौजवानों ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से 2022 में हो जाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। देखिए, धरती माँ की सेवा करते हुए जिस तरह से हमारे किसान रात दिन मेहनत करके हम लोगों को, वो हमारे अन्नदाता हैं, उनके अनाज से हमारा पेट भरता है, तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए अन्नदाता भी हमारे लिए एक भगवान के स्वरूप हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वह निश्चित रूप से किसान विरोधी हैं, और उनके मंत्री जो गृह मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब वही हमारे किसान भाइयों को अपनी ही गाड़ी से कुचल कर मारने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आम जनमानस कैसे सुरक्षित है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बातें जो है।